Hello students, today we will discuss about taxonomy and systematics. Actually, taxonomy and systematics together known as systematic botany. Systematic botany में हम लोग taxonomy और systematics के बारे में पढ़ते हैं. तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि taxonomy क्या होता है, किस तरह की स्टडी की जाती है टैक्सोनॉमी में, एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. फर्स्ट ऑफ ऑल, द टर्म टैक्सोनॉमी वॉज गिवन बाय फ्रेंच बॉटनिस्ट. टैक्सोनॉमी टर्म वॉज गिवन बाय फ्रेंच बॉटनिस्ट एंड हिज नेम इज एपीडी कैंडोले. तो सबसे पहले टैक्सोनॉमी टर्म दिया गया था फ्रेंच बॉटनिस्ट एपीडी कैंडोले के द्वारा. टैक्सोनॉमी में हम लोग किस चीज की स्टडी करते हैं? सो टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन. इन तीन चीजों की हम लोग स्टडी करते हैं, नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन. तो सबसे पहले जो सबसे पहला स्टेप है किसी भी प्लांट को, हम क्या करते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, देन उसका हम नॉमेनक्लेचर देते हैं, और नॉमेनक्लेचर के बाद हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं. और ये जो टैक्सोनॉमी वर्ड है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड. ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ शब्द है टैक्सोनॉमी, जिसका मतलब होता है टैक्सिस. टैक्सिस मीन्स होता है अरेंजमेंट. टैक्सेस इज नोन एज अरेंजमेंट. और दूसरा पार्ट जो है वो है नॉमस. नॉमस मीन्स होता है लॉ या रूल. यानी कि लॉ और रूल के अकॉर्डिंग जो हम प्लांट का क्लासिफिकेशन करते हैं, प्लांट्स को अरेंज करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी. सो टैक्सोनॉमी इज द अरेंजमेंट ऑफ plants according to some laws or rule. Laws or rule के according जब हम plants को classify करते हैं तो इसे ही हम क्या कहते हैं, taxonomy कहते हैं. Now father of taxonomy father of taxonomy is Carolus Linnaeus. कैरियस लीनियस को कहा जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी इज नोन एज एच सांता पाओ. एच सांता पाओ इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी, वेयर एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज नोन एज कैरियस लीनियस. द टर्म सिस्टमेटिक्स was given by Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus ने ही term systematics भी दिया था. और ये जो systematic होता है ये हम लोग use करते हैं किसके लिए, taxonomy के लिए. तो ये था different scientists के बारे में. The term systematics इंक्लूड बोथ टैक्सोनॉमी एंड फाइलोजिनी. टैक्सोनॉमी एंड फाइलोजिनी. टैक्सोनॉमी के साथ जब हम लोग फाइलोजिनी भी कंसिडर करते हैं प्लांट की, तो उस समय इसे क्या कहा जाता है, सिस्टमेटिक्स कहा जाता है. यानी कि क्या क्या आ गया टैक्सोनॉमी में, अभी हमने आप लोगों को बताया क्या क्या आ गया, आइडेंटिफिकेशन आ गया, क्लासिफिकेशन, और क्या था, नॉमेनक्लेचर था. तो ये तीनों पार्ट किसके हो गए, टैक्सोनॉमी के हो गए. और फाइलोजेनी में क्या आ जाएगा, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप.
इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी कि इन सभी चीजों को मिलाकर के क्या बनता है, सिस्टमेटिक्स बनता है। हाउएवर सिस्टमेटिक बॉटनी इज ऑल्सो नोन एज टैक्सोनॉमी। सिस्टमेटिक बॉटनी को ही हम लोग क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। अब ये जो टैक्सोनॉमी होती है ये भी थ्री टाइप्स की होती है, कौन कौन सी, अल्फा टैक्सोनॉमी, बीटा टैक्सोनॉमी एंड ओमेगा टैक्सोनॉमी। लेट अस डिस्कस ईच वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ मेनी टाइप्स, यहां हम लोग लिख लेते हैं अल्फा टैक्सोनॉमी, बीटा टैक्सोनॉमी एंड द लास्ट वन इज ओमेगा टैक्सोनॉमी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अल्फा टैक्सोनॉमी के बारे में। अल्फा टैक्सोनॉमी क्या है? अल्फा टैक्सोनॉमी द टर्म गिवन बाय ट्यूरिल। ट्यूरिल ने सबसे पहले अल्फा टैक्सोनॉमी टर्म दिया था और ये दिया था इन्होंने 1938 में। सो ट्यूरिल हैज गिवन द टर्म अल्फा टैक्सोनॉमी फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1938। तो अगर हम प्लांट का आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पर अगर हम आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन कर रहे हैं देन इट इज नोन एज अल्फा टैक्सोनॉमी। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर मीन्स कि प्लांट देखने में कैसा है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर उसका कैसा है, इसे कहते हैं मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पर अगर हम किसी प्लांट का क्लासिफिकेशन या आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं देन दिस टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी इज नोन एज अल्फा टैक्सोनॉमी। नाउ बीटा टैक्सोनॉमी, बीटा टैक्सोनॉमी क्या है? इसमें हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के अलावा और बहुत सारे कैरेक्टर्स को भी क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। यानी कि इसमें क्या क्या आ जाएगा, मॉर्फोलॉजिकल तो आया ही, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स प्लस क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि जेनेटिकल कैरेक्टर्स हो जाएंगे, एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स हो जाएंगे, पेलाइनोलॉजिकल कैरेक्टर्स हो जाएंगे। चलिए लिख लेते हैं इसे हम लोग, कौन कौन से कैरेक्टर, जैसे कि जेनेटिकल कैरेक्टर, साइटोलॉजिकल कैरेक्टर, एनाटॉमिकल कैरेक्टर। तो इन सब कैरेक्टर्स को भी जब हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के साथ कंसिडर करते हैं फॉर द क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट देन इट इज नोन एज बीटा टैक्सोनॉमी। बीटा टैक्सोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज बायोसिस्टमेटिक्स। बीटा टैक्सोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज बायोसिस्टमेटिक्स। नाउ आफ्टर बीटा टैक्सोनॉमी एक नया टर्म आया जिसे हम लोग कहते हैं न्यू सिस्टमेटिक्स। तो चलिए न्यू सिस्टमेटिक्स देखते हैं क्या होता है, हेडिंग डाल दीजिए न्यू सिस्टमेटिक्स। न्यू सिस्टमेटिक्स टर्म वॉज गिवन बाय जूलियन हक्सले। जूलियन हक्सले ने ये टर्म दिया था न्यू सिस्टमेटिक्स, और जिसमें प्लांट्स के कैरेक्टर्स को कलेक्ट किया गया थ्रू डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस। यानी कि प्लांट कैरेक्टर्स के साथ ही क्या कर दिया गया, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस को भी क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। जैसे बहुत बढ़िया एग्जांपल है कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी क्या है? कीमोटैक्सोनॉमी में हम प्लांट के केमिकल कंपोनेंट्स की भी स्टडी करते हैं, केमिकल कंपोनेंट्स अलोंग विथ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के साथ हम
केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट की भी बात करते हैं। टैक्सोनॉमी के इस ब्रांच को कहते हैं कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी के बाद है साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी क्या है? इसमें हम टैक्सोनॉमी के साथ साथ क्या ऐड कर देते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी को भी ऐड कर देते हैं टैक्सोनॉमी के साथ, तो बन जाता है साइटोटैक्सोनॉमी। और उसके साथ और भी है, जैसे कि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम टैक्सोनॉमी के साथ क्या करते हैं? मैथ्स को जोड़ देते हैं, कंप्यूटर को जोड़ देते हैं, स्टैट्स को ऐड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाता है? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी हो जाता है। एंड द लास्ट वन इज ओमेगा टैक्सोनॉमी। अल्फा एंड बीटा हम लोग पढ़ लिए, नाउ ओमेगा टैक्सोनॉमी। सो इट इज बेस्ड ऑन ऑल इंफॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट प्लांट्स। प्लांट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो सारे इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर हम प्लांट को क्लासिफाई कर रहे हैं, देन इट इज नोन एज ओमेगा टैक्सोनॉमी। सो दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक टैक्सोनॉमी एंड देयर टाइप्स, सिस्टमेटिक्स, न्यू सिस्टमेटिक्स। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट विथ अ न्यू टॉपिक। टिल देन बाय बाय। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना न भूलें। शेयर टू।